बाबा नागार्जुन की 111वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर अवस्थित केंद्रीय पुस्तकालय के ठीक सामने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी 111वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा के द्वारा उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव वंदना चौधरी बैजू, राजनीति विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र नारायण सहित विश्वविद्यालय के कई पदाधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर इन वक्ताओं ने क्या कहा वो आप सुने। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। जो छोटा है उसको कैसे सर सर उसका भी व्यवस्था जितेंद्र जी जैसा हाइट नहीं ना है। छोटा नहीं लगा साइड में बगल बादे पहले बगल बादे साइड तो होना चाहिए। भूख रखवा दी संजय भैया लिया हाथ में धूप लिए चल देखा दे आई 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 बाबा नागा अर्जुन के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। बाबा नागा अर्जुन के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। बाबा नागा अर्जुन अमर रहो अमर रहे। सर एक ग्रुपिंग सर फोटो। बाबा नागार्जुन का पूरे संस्कृति के लिए, मिथिलांचल की संस्कृति के लिए, मिथिला की संस्कृति के लिए, पूरे देश के लिए एक अहम योगदान रहा है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण रोल रहा है, अद्भुत भूमिका इनकी रही है। और कहीं ना कहीं सत्ता के खिलाफ भी गलतियों को उठाना अपने काव्य के माध्यम से, अपने विचार के माध्यम से समय समय पर बाबा नागार्जुन ने किया है। और हम समझते हैं कि वह आने वाले दिनों में एक माइलस्टोन के रूप में काम करेगा। जो लक्ष्य उन्होंने रखा है उस लक्ष्य को डिलीवर करने की दिशा में हम लोग मिलकर के काम करेंगे। और कहीं ना कहीं जो इनकी सोच थी उसको स्थापित करने की दिशा में पूरा मिथिला मिलकर के काम करेगा। सर डॉक्टर जितेंद्र बाबू के कहने से जो हमारे गुरु भी हैं, अभिभावक भी हैं, यहाँ मेरी उपस्थिति हुई है और मैं आह्लादित फील कर रहा हूँ। मंत्री जी जीवेश मिश्रा जी जे आई से 42-44 साल पहिने जे विद्यापति सेवा संस्थान में ई दर्शक के रूप में जे में हिनका मिथिला विभूति और मिथिला रत्न देल गेल हन ते में ई चश्मदिल गवाह रहित और हृदय से बहुत पाछा से नारा लगेलन हिनका बारे में ओकर ओ यादगारी आइयो छे। तो बाब रविंद्र जी एत छथि, हमारे अजयनाथ जी छथि, सब गोटे एत हमारे पाछू आगू मौजूद छी। आई सौभाग्य के बात है जे 111वीं जयंती मनबै के अवसर पर मिथिला विश्वविद्यालय के आई एक पूर्व डॉक्टर एस पी सिंह मूर्ति लगबै के संस्थान जरूर मूर्ति दलके, लेकिन ऑल क्रेडिट गो टू मिथिला यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट जे आई मूर्ति के एत स्थापना करलन। संपूर्ण मिथिला विश्वविद्यालय तरफ से, मिथिला के 8 करोड़ मैथिल के तरफ से 1 अरब 35 करोड़ जनगण के तरफ से आई हम हुनका प्रणाम करै छियनि। ये मेरे लिए बहुत गौरव और सौभाग्य की बात है कि अजय जी ने सुबह में हमको फ़ोन किया कि भैया कुलपति जी और प्रतिकुलपति नहीं हैं और माल्यार्पण करना है। ऐसी शख्सियत जिसके बारे में अभी चर्चा हुई, नागार्जुन नाम आते ही देह में सिहरन मुझको हो जाती है। और जितनी बातें अभी कही गई ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय मंत्री महोदय अपने एकेडमिक एक्टिविटीज़ की वजह से, एकेडमिक दायित्व की वजह से ये विभाग आए थे। तो मैंने अजय जी से कहा कि भाई अगर आपकी अनुमति हो तो हम मंत्री जी को भी लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सौभाग्य की बात है। तो पहले तो विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से अजय भाई को भी और तमाम लोगों के प्रति हम विनम्र क्या कहेंगे धन्यवाद देना चाहते हैं। और ये गौरव बोध के साथ ये कहना चाहते हैं कि ऐसी शख्सियत की जन्मतिथि पर उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत, मेरे जीवन का ये गौरवपूर्ण क्षण है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, बड़ी वजह है। भारतीय संस्कृति दुनिया में अनूठी है और उसका केंद्र मिथिलांचल रहा है। हिंदुस्तान की संस्कृति वादे वादे जाते तत्वबोधा को रेखांकित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटना जिसमें अष्टावक्र ने जनक के दरबार में सच बात कहने की
का जो सामर्थ्य था और राज्य का संरक्षण प्राप्त होना, दोनों चीज़ें एक साथ घटित हुई थी मिथिलांचल के क्षेत्र में। और नागार्जुन ऐसी शख्सियत हुए कि संरक्षण इनको प्राप्त नहीं था, संरक्षण के विरुद्ध भी उसी परंपरा को अलग को जगाते रहे, वादे वादे जाते तत्वबोध पर। अभी कहा